हेलो, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई होप माय गुड इवनिंग वॉइस सर। इज ऑडिबल। या ओके। टुडे आई थॉट आई विल गिव यू सम फीडबैक ऑन योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। ओके, सो आई हैव ट्राइंग टू लिसन एज मेनी स्पीचेस एज पॉसिबल। ओके, I request, please mute your microphones. First is Jayavardhan is here in the group today. Jayavardhan Gupta. Okay. Anyway, Jayavardhan Gupta, he has sent me the voice recording of the speech Shakar. मनोज लाल जी, आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कीजिएगा प्लीज। शकार का जो आपने भेजा है वो बहुत लो वॉइस में मिला है, उसमें अभी भी क्लैरिटी चाहिए और हिंदी भाषा का जो है वो आप थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, उसमें अभी भी देर इज अ सम प्रॉब्लम है ना। जयवर्धन इफ यू आर लिसनिंग। मृणालिनी शर्मा आधे अधूरे, वेरी गुड अटेम्प्ट, एंड समटाइम्स द लास्ट वर्ड्स आर ड्रॉपिंग, otherwise the attempt is very good. Okay, Faiz Siddiqui again Shakar ka bheja hai. Faiz Siddiqui is here in the group, I don't know. Faiz Siddiqui, isme observation ki kami hai thoda. Sometimes Faiz Siddiqui speech is looking like bookish hai, thoda jaldbaazi bhi hai, aur speech bhi pura nahi kiya, aadha hi shayad unhone complete karke bheja hai. This is what I feel. Amandeep poetry bheja hai. I hope. Good evening sir. Good evening. It was a good attempt. Confidence thoda lacking lag raha hai mujhe. I don't know why. Just because you are recording, mujhe lagta hai ki aapka uska confidence mein chahiye. Or owning of the words. Owning the words, like owning of that poem is needed. कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, मैंने इसलिए नोट किया, यही मैं बता रहा हूँ। तुषार अरोरा, गुड अटेम्प्ट तुषार अरोरा, इट वॉज ए गुड अटेम्प्ट। एंड जयंती इज देयर इन द ग्रुप? यस सर। ओके जयंती, आपने जो वो वसंत सेना का भेजा है उसमें वर्ड्स को आप ध्यान रखना चाह रही है। आर्या, आर्या, आर 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 बस आर्या है ना। okay. अहल्या, अहल्या, और सौ सौ बार गरजने के बाद, सौ सौ बोलने में वो जैसे उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको फिर से सुनिए, वो देखिएगा। हेलो, हु इज दैट? थैंक यू सर। यस सर, तुषार सर, तुषार। तुषार अरोरा, योर अटेम्प्ट इज गुड, आई सेड यू हैव डन अ गुड जॉब। ओके ओके सर, थैंक यू सर। या और उसके बाद है जयंती के बाद नागेश गोला इज हियर। नागेश गोला लखनऊ की पोएट्री भेजा है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है उनका, इट वॉज गुड। इफ ही इज देयर इन द ग्रुप नागेश, योर अटेम्प्ट इज वेरी गुड। उसके बाद भरत शायद इस ग्रुप में आए नहीं, ज्वाइन किया क्या नहीं आज तक। भरत हैज सेंड मी वन पोएट्री फ्रॉम पर्यावरण, विच आई डोंट नो वेयर ही हैज फाउंड आउट। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू लुक आउट फॉर सम अदर पोएट्रीज विच आई हैव नॉट सेंड, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन अदरवाइज। उसकी हिंदी शायद लगता है नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से है वो, भरतन है भरत, अदरवाइज इट्स अ गुड अटेम्प्ट, नो प्रॉब्लम। सुनील कुमार सिंह, शकार आपने यहाँ पे भी किया, वहां पे भी भेजा, अच्छा है। हाँ सर, कुछ और अटेम्प्ट, कुछ और अटेम्प्ट करते अच्छा लगता है। ठीक है, तो ठीक है सर, इफ स्पीच इज गुड आई कैन सेंड एनीथिंग व्हिच आई लाइक और व्हिच यू विल सेंड। आई विल टेल यू दिस इज एन असाइनमेंट पार्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, later we will decide what we can have today. Okay, Sushil, it's a good I will try my best sir, I will try my best, all the best. And next hai Manoj Lal,
शकार का ही किया है मनोज लाल ने भी, है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. यू आर स्टार्टेड विद सम आर्टिफिशियल काइंड ऑफ रेंडरिंग, बट लेटर यू हैव पिक्ड अप. आपका स्वीट सिंतो ही कोई बहुत ही फेमस एक्टर याद आ जाता है ना? अच्छा, व्हिच वन? आई डोंट नो. आप फिर से सुनेंगे तो आप ही को पता लग जाएगा. ओके okay, और okay. मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अपना ओन ओन कीजिए, बहुत अच्छा है आपका वॉइस. तो यू ओन योर सेल्फ. इफ मनोज इज स्पीकिंग हाउ यू स्पीक, ओके ओके, फॉरगेट अबाउट शेखर आल्सो. सो यू ट्राई ऑन दोस लाइंस, इट विल बी गुड. लाइक ओके ओके, थैंक यू. या ओके, थैंक यू, थैंक यू. उसके बाद प्रबुद्धा पांडे. प्रबुद्धा पांडे, यस सर. Why you are sad? Why you are sad by doing Shakar? Sad, sir. Sad, sad. दुखी, दुखी okay. है. दुखी है Shakar. बोलता है कि ये कैसे हो गया? ऐसे शुरू किया तुमने? Tension. सर, tension में था. थोड़ा सा मैं पीछे से गया कि Shakar परेशान है. हाँ. इसलिए मैंने ऐसे स्टार्ट किया था सर. वो Shakar कमीना किस्म का आदमी है. वो डरता थोड़ी है. हाँ. तो ठीक है. वो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है. मुझे लग रहा है कि Shakar थोड़ा सैड था. सैड, डरा हुआ अलग होता है, तो थोड़ा सैडनेस उसमें आ रहा है. सर, थोड़ा मैं जो सोच के किया था सर, कि वो टेंशन में था, उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि कहीं वो फंस ना जाए. हाँ, वो तो है. वो तो टेक्स्ट में भी बोल रहा है ना, कोई इसके ऊपर तो नाम है, वो देख लेगा तो तुरंत पहचान लेगा. जी जी जी. और स्पीच ना ऐसा लाइवली होना चाहिए, ऐसे देख के उसमें ऑब्जर्वेशन भी चाहिए. जैसे हाँ. उसने कपड़े से ढक दिया, उसके बाद उसने नाम देखा, वो पूरा अपने आंखों के सामने अगर हम देखते हैं तो स्पीच आसानी होती है बोलने से. जैसे हम पढ़ते हैं तो वो अलग बात है. अब समझ लो मैं कुछ बिछाया उसके ऊपर, अरे इस पे तो नाम है, अब कोई भी देखते ही पहचान लेगा. ये चाहिए हमारा. ये अगर देख लें, वायु तो यहाँ मेरे लिए इतने पट्टे इकट्ठे किए, तो इसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ. बहुत अच्छा है. इट इज वेरी गुड दैट आई हैव समथिंग टू यू नो ढकने के लिए मुझे कुछ मिल गया. इफ यू इमेजिन दैट एवरीथिंग, इट इज वेरी इजी फॉर, इट इज लाइक एवरीबडी. हम उस स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं, उन एक्चुअल चीजों को अगर हम फील करते हैं उन चीजों में, तो बोलना बहुत ही आसान हो जाता है. ये मेरा कहना है. ठीक है, ठीक ठीक है सर. प्रबुद्धा तो वापस भेजो सर, वापस भेजो. एज आई थिंक सर, ही इज Shakar इज श्रूड एंड ही इज मेटिक्यूलस. आई नो बट वी कैन इंटरप्रेट. देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट. नो प्रॉब्लम फॉर दैट. ओके, वी कैन एंटरटेन मेनी 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 पीपल, लाइक मेनी टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस. लाइक जैसे हम वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट शशि कपूर विल डू Shakar, है ना? यू नो लवली ड्रीम बॉय लाइक कैसनोवा टाइप गाय, वो पहले इतना करते थे, उनको Shakar बनाया, तो उनका पता नहीं है ना इंटरप्रिटेशन क्या था. तो दैट्स व्हाट आई थिंक वी कैन इंटरप्रेट, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट उस मैं ये बोल रहा हूँ, स्पीच को अगर हम एक्चुअली फील करते हैं, उसको देखते हैं नेकेड आई से, हमारे आंखों के सामने क्या क्या घट रहा है, अगर उन चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो स्पीच बोलने में आसानी होती है. यही मेरा इतना सबमिशन है. ओके okay? उसमें एक बात, अस्मिता सिंह. अस्मिता इज हियर, आई डोंट नो. Asmita poem was very good. Vasant Sena is also good. But sometimes speech thoda monotonous lag raha hai. Monotonous in the sense ki wo kuch bookish lag raha tha. Otherwise good. Shaurik Haldar poem bahut poem ka attempt kiya hai. But language ka dhyan rakhna padega. Jahan language jahan aati hai na, uski pronunciation kaise hona chahiye, kya hai, wo thoda hame dhyan rakhna padega. Okay? Same thing. I think he has sent all the poems only. Saguna ji hai isme group mein abhi. Lakhno unhone kiya very good attempt. Lakhno ka unhone poetry padha hai, bahut acha tha. It was very good, a bold attempt. Ranjan Kumar Sethi, again he has sent poem. Words mein thoda dhyan rakhna padega. Hindi ka jo pronunciation hai na, wo hamara jo area ka slang hai, wo to usme dikhta hai. Magar we will try. The way it is supposed to be speak, right? Spoken. How, what should be the right pronunciation? We have to try for that. Okay? उसके बाद विकास कुमार. विकास कुमार ने बहुत सारे चीजें भेजे हैं, उसमें कौन सा असाइनमेंट मुझे, yes, sir. कौन सा भैया, कौन सा स्पीच लेना चाहिए मुझे, ये पता. Shakar, Shakar, sir. अच्छा अच्छा है attempt.
अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत सारे वीडियोस तुमने भेजे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पुराने असाइनमेंट्स को भी उन्हें तुमने इकट्ठा करके भेज दिया। और एनीबॉडी इज मिसिंग इन दिस? मैंने एक पोयम भी भेजी। हाँ पोयम भेजा है मैंने, एक एक ही देखा है, एक एक ही बात कर रहा हूँ। पोयम भी देखा है मैंने जयंती, इट वॉज गुड, पोयम इज ऑल्सो गुड, बट माई वरी अबाउट द वसंत सेना पार्ट ऑफ इट, बिकॉज योर वर्ड्स में उसमें देखना पड़ेगा ना आर्य मैंने कल रात को भेजा था सर, एनी फ्रैंक का जो मोनोलॉग है, आई सेंड इट लेट इन द नाइट, आई थिंक आई डिडंट रिसीव इट टुडे। ओके और विकास क्या बोल रहा था सर? वो जो शकार है मैं कितना निभा पाया सर? अभी तो अटेम्प्ट ठीक है, और भी करना पड़ेगा काम, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ ना, उन चीजों को ख्याल रखिएगा, अगर वी आर ट्राइंग टू से दीज लाइंस, वो लाइंस को अगर आप देखेंगे बारीकी से, उनको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमको उसको कैसे बोलना चाहिए, है ना? और यू हैव टू डू सम, यू नो, अगर एंटायर प्ले अगर आपको पता है शिकार कौन है और किस तरह का आदमी है तो शायद आपको आसानी होगी, या फिर सिर्फ स्पीच को भी देखेंगे, है ना, हमको चांस नहीं मिलता है पूरा प्ले पढ़ने का, अगर तो आप उस स्पीच को भी ठीक ठाक से समझने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू डू द स्पीच। उसको मैंने इसीलिए बोला था, पढ़ने के बाद उसको पंक्चुएट कीजिए, कहाँ कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, पुलिस स्टाफ आएगा, कामा आएगा, हाश्यार्थ का आएगा, हाँ उसको कुछ लाइंस को पास करना है, कुछ लाइंस को खींच के बोलना है, आप अपनी तरफ से इंटरप्रेट कीजिए, देन यू विल अर्न। बोलिए कि शिकार किस मोमेंट में इस तरह का काम, इस तरह के लाइंस बोल रहे हैं। और हमें याद रखना यह भी है कि अगर हम हजार बार इसको प्रैक्टिस भी करते हैं तो वंस यू आर सेइंग दिस, रिमेंबर दैट यू आर फर्स्ट टाइम आप बात कर रहे हो शिकार, पहली बार ये अटेम्प्ट होने के बाद, ये हत्या का अटेम्प्ट करने के बाद ये लाइंस बोल रहे हैं, उस तरह का फीलिंग आप हमें देना है। अदरवाइज पता चल जाता है कि बहुत सालों से बोल रहे हैं इसी तरह से बोलेगा शिकार, ये रोल तो बहुत बहुत पुराना है ना, बहुत लोगों ने किया होगा, आपने भी किया होगा 10 बार नाटक में, मगर जब हम पहली बार आपको सुनेंगे तो आप ये फीलिंग हमें देंगे कि फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट, यू नो, स्पीक द स्पीच आई प्रे यू, मैंने नहीं कहा, शेक्सपियर ने कहा, बात करो, नहीं कि पढ़ो, पढ़ने की अलग बात है ना, रीडिंग इज डिफरेंट देन स्पीकिंग, यू हैव टू स्पीक द लाइंस, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप बार बार, अभी तो सुविधा बहुत है ना हमारे पास, एवरीबॉडी इज हैविंग देयर मोबाइल्स एंड यू नो हैंडी है हम आपके पास, बार बार आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए कि आपको अपने से, यू मस्ट बी क्रिटिकल अबाउट योर ओन वॉइस, योर ओन वर्क, देन आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंट है और क्या करना चाहिए, whether it is going according to the script which is given to you or whether it is going according to your interpretation, आप उसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा। हाँ तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए आगे स्पीच करने में। अरे एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी हुज लेफ्ट आउट, जिसने भेजा मैं उसका कोई नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है ना, सभी का मैंने जो भी मुझे मिला है मैंने देखा। सर सुप्रीम जेरोमिया, हाँ सर, आई हैव सेंड यू रिगार्डिंग दैट एनी फ्रैंक दैट मोनोलॉग, कैन आई सेंड दैट अलोंग टुडे, एज यू सेड यू डू नॉट रिसीव इट, टुनाइट आई विल बी सेंडिंग इट अलोंग विद दैट, कैन आई सेंड अ हिंदी पोएम आल्सो? सर प्लीज सेंड। हां जय वर्धन सर। हां बोलो सर, कल हम भी भेजे थे सर, कल एक पोएम हम भी भेजे थे सर, हिंदी पोएम। मैं आपका ये क्लास तो जयवर्धन ना जयवर्धन गुप्ता के नाम पे ही मैंने शुरू किया है, तुम्हारा ही पहले फीडबैक दिया था, तुमको सुना ही नहीं दिया सर, लगता है हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए सर, सॉरी। हां आपका जो था ना, मैंने बोला कि आपका एक तो लो वॉइस में आया वो रिकॉर्डिंग, और उसमें क्लैरिटी और भी चाहिए, आपने शिकार का भेजा ना, शिकार का भी भेजा है ना, तो उसमें क्लैरिटी भी चाहिए, पोएम भी भेजा, और पोएम तो ठीक है, उसमें भी आपको हिंदी का जो भाषा है ना उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, द वे इट इज सपोज्ड टू बी प्रोनाउंस्ड, इस तरह के उसका उच्चारण चाहिए, उनका ख्याल रखिएगा आप थोड़ा बहुत, है ना, हमारा जो रीजनल फ्लेवर है वो तो आता ही है,
जब हम वी स्पीक हिंदी और इंग्लिश वॉट एवर बट वी शुड ट्राई फॉर द बेस्ट ओके ठीक है सर हाँ फिर से बताया सर बहुत वॉल्यूम कम में आया था आई डोंट नो ना मेरी ठीक है हेलो सर हाँ फैज सर मैंने मोनोलॉग भेजा था भेजे वो तुम्हारा एसेसमेंट हो चुका है तुम्हारे बारे में मैं बता चुका हूँ सर वो सॉरी मैं नेटवर्क इशू है तो इसे इसे लेट शिकार ऑब्जर्वेशन ये है तुम्हारा शिकार का मैंने देखा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ये है समटाइम्स यू आर बुकिश जबरदस्त अपना माइक क्लोज कीजिए और समटाइम्स आप जल्दबाजी में हो जल्दी जल्दी बोलते हो और स्पीच भी अधूरा है आपका पूरा नहीं किया आपने अच्छा तो सर वो पूरी कंप्लीट करनी है सर दोनों अरे शकार का ही कंप्लीट नहीं किया ना तुमने तो सर मैं दोबारा भेज दूँ आपको हाँ भेजो फिर पूरा भेजो तो भेजो ना नहीं तो फिर आधे अधूरे में अब कहाँ मिर्ची कट के हमको आधे अधूरे कर रहे हो पूरा भेजो ठीक है सर मैं आपको पूरा भेजता हूँ पोएम भी भेजिए सर नहीं नहीं ये शकार का एक भेजो बस ठीक है जल्दबाजी मत करना और उसमें क्या है बुकिश हो रहा है पढ़ रहे हो जैसे देख के वो नहीं ओके सर हाँ ठीक है या सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक या हु इज दैट कोई सिद्धांत सर यस सर रिटन असाइनमेंट सबमिट किया था हमने 14 दिसंबर को उसके बाद बस वो पूछना था आपको सुद्धांत तुम्हारा नाम लास्ट सेशन में मैंने बुलाया जो असाइनमेंट रिसीव किया तुम ले थे लास्ट अटेंड नहीं कर पाया था तो YouTube में जो इसका अपडेटेड है वो देख लेना आपका शायद असाइनमेंट आ चुका है बट यू हैवंट गिवन द प्रैक्टिकल बस ऑडियो सेंड नहीं किया अभी रिटन असाइनमेंट सेंड जी जी रिटन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं आज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टुडे अबाउट द प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स का फीडबैक मैं आज देना चाह रहा था वही मैं आज दे रहा हूँ ठीक है प्रैक्टिकल के लिए तो उसमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगी सीधा आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि दिस इज अ रिटन असाइनमेंट ओके राइट ओके सर सो या अब नाउ यू पीपल हैव मेनी पीपल हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल असाइनमेंट एज एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू बिकॉज द यूनिवर्सिटी हैज एक्सटेंडेड द डेट यू नो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाकी जो भी लोग हैं वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट नहीं दी है अभी तक I request all of you to send it immediately. And then maybe tomorrow, or day after tomorrow, I'll conduct one more counseling class for movement. Movement ke liye kuch exercise ke baare mein discuss karenge. And then we also try to discuss about the assignments which are supposed to be done in movement part of it. You know, physical aspects of acting. Uska subject ka course ka naam hai physical aspects of acting. Usme hum movement ki baat karenge. Movement ke liye to maine bahut sare exercises aapko bataye the. Aapko karne ke liye if you refer back to my old lectures in YouTube, somebody is missing in that. You can just check them. Usme maine bahut sare kiya hai. Wo main fir se ek baar you know review karke aap logon ko bataunga. And what you are supposed to do also I'll tell you. The way you are supposed to submit your assignments in physical aspects of acting. उसको अगर हम complete करते हैं तो slowly we will go into the other the psychological aspects of acting. Yeah? Okay? Any doubt about this today's session? The feedback अभी तक जिसने भी मुझे दिया है audio का assignment मैंने उन सारे चीजों को सुना है और उनका जो मेरा या जो पोएम भेजी थी मैंने ऊपर से रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ दोबारा क्यों अब तुम एक काम कर चुके हो बस करो यार फिर से क्यों मेरा तो खराब अलाउ करे तो नहीं ठीक है आगे आगे फाइनल होगा ना उसमें देख लेंगे ठीक है और कोई सो द पीपल हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल आई रिक्वेस्ट देम टू सबमिट या योगेश क्या बोल रहे हैं मोनोलॉग स्पीचेस विच वी विल ट्राई ओके सुशील आई विल ट्राई टू सेंड इट योगेश क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया थैंक यू सर थैंक यू ओके योगेश कुमार आर यू देयर ओके हाय आई एम सो डोंट नो हु मैं ना मिलका कहना
पीने का कोना, क्या क्या टाइप किया है. ओके एनीवे थैंक यू गाइस फॉर टुडे सेशन एंड आई एम गोइंग टू डू अनदर सेशन डे आफ्टर टुमारो सो दैट वी विल टॉक समथिंग अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग. ओके थैंक यू सर. थैंक यू पीपल हु हैव डन ऑडियो असाइनमेंट्स इज गुड. Is still some people are you're not keeping well, unable to talk. Okay, send it immediately. I will tell you. उसको सारे चीजों को हमको ऊपर आना पड़ेगा. Show must go on. So you must be prepared to do the things. Okay. कितना time लगता है एक speech तैयार करने में सब बताओ. एक घंटे का काम है, दो घंटे का, तीन घंटे का. If you think that you are stubborn about doing this, you can do it. Okay. मैं इतना तुमको मतलब बोल रहा हूँ कि इस तरह से करना भी चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए. दीज थिंग्स ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू नो वेरी पॉइंट बाय पॉइंट. सो एवरीबडी शुड अटेम्प्ट दिस. यू नो सी व्हाट इज हैपनिंग इज कि सब लोग यही सोचना कि इसमें कोई ग्रेडिंग का सवाल नहीं होता है. ग्रेडिंग नहीं है किसी का कि इसने वैसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया. अटेम्प्ट इटसेल्फ यू नो इम्पॉर्टेंट. अटेम्प्ट करना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है. ज्यादा कि हम लोग उसको हम और टाइम मिलता तो ऐसे कर देंगे वैसे. ये दिस इज समथिंग यू नो हम सोच ही नहीं सकते उन चीजों को कि हम क्या कर सकते हैं. वो अलग बात है. पहले तो कुछ तो करो, पहले शुरुआत तो करो कहीं ना कहीं, है ना. पोएम से, स्पीच से शुरुआत करो, फिर बाद में देखा जाएगा. अब हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, है ना. द प्रॉब्लम इज दैट. So please, the rest of the people who haven't sent this because of any other reasons, I will tell you people, please do it because you know dates ऐसे extend हो जाएंगे. हम उस last date तक हम wait करते करते रह जाएंगे. हम उस last date पर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैं बोलता हूँ कि do it as early as possible. At the earliest, you complete your all assignments so that you get the feedback also, so that you will be motivated to do the other speeches, like other poems, whatever. Okay? So, good day for today. Bye. Take care. And all the best. Okay, bye, sir. Bye-bye. Take care. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.